तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्था, ठीक है, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि द्रव्य और द्रव इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य का मतलब है तीनों अवस्थाएं। आपको पता है द्रव्य जो है ठोस, द्रव या गैस, तीन अवस्थाओं में होता है। यानी कि द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो द्रव्य। और द्रव, द्रव्य, द्रव का मतलब होता है केवल लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्विड जो है इसके हम द्रव कहते हैं, और द्रव्य का मतलब है कि तीनों ही अवस्थाएं। कोई चीज़ अगर ठोस है तो वो भी द्रव्य है, कोई पदार्थ जो है वो लिक्विड है तो वो भी एक द्रव्य है, और कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो वो भी द्रव्य है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर रखिए। अब आगे हम बात कर रहे हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। तो द्रव्य की अवस्था यानी कि किसी ठोस या द्रव या गैस, इसकी जो अवस्था है, ये तीनों अवस्था है, तो इनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है, किस प्रकार एक ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं लिक्विड में, या किसी लिक्विड को हम गैस में कैसे बदल सकते हैं, तो इसके पीछे क्या चीज़ें काम करेगी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि द्रव्य को यानी पदार्थ को, पदार्थ की यदि अवस्था बदलनी है तो दो चीज़ें काम करती है। पहला है तापमान और दूसरा है दाब, प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए, एक पदार्थ, हम कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये मान लीजिए लोहा है, ठीक है, आयरन है, लोहा, और ये काफ़ी ठोस होता है, आपने हाथ में दिया, ये जल्दी से मुड़ता नहीं है। अगर मुड़ रहा है कोई भी पदार्थ जो बड़ी आसानी से मुड़ जाता है, तो समझिए कि उसके जो अणु हैं वो दूर दूर है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से अणु दूर दूर है, ये अणु जितनी दूर दूर होंगे वो पदार्थ उतना ही नरम होगा, बड़ी आसानी से मुड़ जाएगा। लेकिन लोहे में ये कण बिल्कुल पास पास होते हैं, और इसी कारण ये लोहा जो है काफ़ी ठोस हो जाता है। और जब हम किसी पदार्थ को या किसी ठोस को या किसी द्रव को गर्म करते हैं, यानी उसे तापमान दिया जाएगा, तो ये जो इसके अणु हैं जो काफ़ी पास पास हैं, ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यानी कि तापमान के कारण द्रव्य की, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ताप देने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु जो है वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और ऐसी एक कंडीशन आ जाएगी जब ये अणु दूर दूर हो जाएंगे। और मैंने बताया कि जैसे ही अणु दूर दूर होंगे वो पदार्थ नरम होता जाएगा, और इसीलिए जब हम लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो काफ़ी नरम हो जाता है, और भी ज़्यादा तापमान देते हैं, जब उसको काफ़ी ज़्यादा तापमान देते हैं तो वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। तो आपने देखा कि तापमान किस तरह से एक पदार्थ को की अवस्था है, एक पदार्थ की अवस्था उसको कैसे उसकी अवस्था को चेंज कर देता है। और यही चीज़ अगर हम लिक्विड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में हम नीचे से तापमान देते हैं इसको, तो ये जैसे तापमान बढ़ेगा लिक्विड का, तो इसके जो अणु हैं जो वो और भी अधिक दूर दूर होने लगेंगे, और इतनी दूर हो जाएंगे कि वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि ये द्रव
भाप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सी चीज़ काम कर रही है, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो तापमान जो है वो किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के पदार्थ को आप तापमान के द्वारा उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। कुछ पदार्थों में यह चीज़ काम करती है और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें दाब के द्वारा, दूसरा हमारा जो कारक है वो है दाब, प्रेशर। तो दाब पड़ने से पहले यहाँ पे कुछ एक दो इसकी जो यहाँ पे काम आने वाली जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएगी परिभाषाएं, वो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तापमान पर ये ठोस है और ये किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में यानी द्रव में। तो एक ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए जितने तापमान की ज़रूरत होगी, उस तापमान को इस पदार्थ का क्या कहेंगे, गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बर्फ़ है, मान लीजिए ये बर्फ़ है और इस बर्फ़ को हम गर्म करते हैं, तो इसे कितना तापमान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये बर्फ़ जो है वो लिक्विड बन जाए। तो यहाँ पे बर्फ़ के लिए जो तापमान है वो है 273.16 केल्विन। यानी कि बर्फ़ को आप इतना तापमान देंगे तो ये बर्फ़ किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। तो बर्फ़ का गलनांक ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग पदार्थों का ये तापमान जो है, गलनांक, ये भी अलग अलग होगा। तो गलनांक क्या हो गया, ये तापमान। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ठोस से द्रव में बदलने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं संगलन, संगलन क्रिया। ये ठोस से द्रव में बदलने की जो क्रिया है, ये क्रिया तो कहलाती है संगलन। और ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितने तापमान की ज़रूरत होती है, वो तापमान कहलाता है गलनांक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा, यानी तापमान, ऊष्मा यानी तापमान की आवश्यकता होगी, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि एंथैल्पी। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलो ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होगी, उस ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, यानी कि एंथैल्पी। तो ये ठोस से द्रव की बात हो रही है, और ऐसे ही द्रव से गैस में, तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए
जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे एक और समझ लेते हैं कि जब द्रव है और द्रव को हम गर्म कर रहे हैं तो कितने तापमान पर वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो तापमान है इसको हम कहते हैं क्वथनांक, वो तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसे हम उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। तो गलनांक होता है ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो ज़रूरत होती है तापमान की, उस तापमान को कहते हैं गलनांक। और द्रव को गैस में बदलने के लिए जितने तापमान की ज़रूरत होती है वो होता है क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो ये दूसरा जो हमारा रह रहा है अभी तक दाब, तो दाब में ज़्यादा कुछ नहीं है कि जैसे हम किसी वस्तु पर जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये है मान लीजिए कि प्लास्टिक है और आप जानते हैं कि प्लास्टिक नरम होता है, ये मुड़ जाता है, तो मुड़ने का मतलब है, नरम होने का मतलब है कि इसमें जो अणु है ये दूर दूर हैं जैसे मैंने पहले बताया। और यदि हम इस पर दाब देते हैं जब प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर लगने से ये अणु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और ये अणु जब पास पास आएंगे तो जैसे मैंने बताया कि ठोस जो होता है उसमें अणु पास पास होते हैं, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ठोस होगी उसमें अणु उतने ही ज़्यादा पास पास होंगे। तो किसी भी वस्तु पर किसी पदार्थ पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो उसके अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं और वो चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए तापमान और दाब दोनों चीज़ें काम करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ऐसे ही आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में दिए हुए बेल आइकन। इसको क्लिक ज़रूर करें बेल आइकन को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।